आईपीएससी नेम ऑफ फेनेटोल, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना बेंजीन बनाइए। इसमें आपके तीन डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे आपका चलता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है ओ, एंड यहाँ जुड़ा हुआ है आपका सी एच टू सी एच थ्री। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सी टू एच फाइव भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखते ही पहचान गए होंगे कि ये आपका क्या है, ईथर है। ईथर का दोस्तों हम आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के बाद ये आपका बन जाता है एल्कोक्सी, और यहाँ पे जैसे ये आपका क्या है, बेंजीन है, और एल्केन होता तो एल्केन, एल्कीन होता तो एल्कीन, एल्काइन होता तो एल्काइन, वो उसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए इस एल्कोक्सी का नाम लिखते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टू कार्बन है। टू कार्बन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए ये नंबरिंग याद कर लीजिएगा, एथ कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एथ मतलब एल्क, और इसके पीछे क्या जोड़ना है, ओ एक्स वाई, और इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो नाम क्या बन गया, एथोक्सी बेंजीन। ओके, इसी तरीके से मस्त मस्त वीडियो हमारे चैनल पर आपको खूब सारे मिलेंगे, तो उन्हें हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसका दोस्तों अदर नाम भी होता है, इसके यदि अदर नेम की हम बात करें, इसके अदर नेम में हम इसको कहते हैं, देखिए ये एथिल, ये आपका फेनिल, और ओ यानी ईथर, एथिल फेनिल ईथर भी इसको कहा जाता है, अदर नेम, या जिसको हम रूट नेम भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।